दोस्तों आज मैं आपके लिए फिर बहुत ही टेस्टी डिनर रेसिपी लेकर आई हूँ, तो वीडियो में आगे तक बने रहिएगा। मैं रितु शुक्ला आपका अपनी रसोई में स्वागत करती हूँ। जय माता दी। दोस्तों ये चावल है और दाल है जिसे मैंने आधे घंटे के लिए फुला दिया था पानी में अच्छी तरीके से। ये मैंने गोभी ली है, ये शकरकंदी है दोस्तों थोड़ी सी, और ये मटर है, गोभी, मूली, ये मैंने थोड़ी सी मूली डाली है, दो चार टुकड़े आलू, गाजर, गोभी, इन सारी सब्जियों को मैं डालूंगी इसमें। आप चाहे तो किसी और सब्जी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद होगी। मैंने इन सब्जियों के साथ में इसे बनाया था। तो हम क्या करेंगे कि चावल दाल को कुकर में अच्छी तरीके से डाल देंगे। अब हमें इसमें पानी डालना है। दोस्तों पानी ज़्यादा बिल्कुल मत डालिएगा, वरना फिर प्रेशर बढ़ने के बाद में ये पानी ऊपर आने लगेगा। बाद में जैसा होगा वैसा आप डाल लीजिएगा गर्म पानी करके। अब हम इसमें अपनी सारी सब्जियों को डाल देंगे। दोस्तों जब हमें झटपट कुछ बनाना होता है हमेशा, तो हमें टाइम नहीं होता, कहीं अगर जाना है झटपट कुछ बनाना, तो आप इस रेसिपी को बनाकर जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी और यम्मी बनेगी। तो देखिए मैंने 3 टमाटर इसमें डाल दिए हैं, हरी मिर्च डाल दी है, मटर, गोभी, आलू, गाजर, सारी सब्जियाँ, जो भी आपको खानी है वो सब्जी आप इसमें डाल दीजिए, और कोई टेंशन नहीं है, 2-4 सीटी मरवा दीजिएगा इसमें। हमने चावल दाल को फुलाया था तो बस 2 सीटी मरवाइएगा, ज़्यादा मत मरवाइएगा वरना सारी सब्जियाँ टूट जाएंगी। तो देखिए इसमें नमक हल्दी हम डाल देंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, जैसी भी आपको खानी है। इसमें हमने वापस से पानी डाल दिया है, तो इस तरीके से हमें इसमें पानी डाल देना है। दोस्तों अब हम क्या करेंगे कि इसे गैस पे रखेंगे। मैंने इसमें तेल डालना भूल गई थी, तो मैं अब इसमें तेल डालूंगी, क्योंकि अगर मैं तेल नहीं डालूंगी तो फिर ये पानी ज़्यादा ऊपर फेंकने लगेगा, तेल की वजह से ये नहीं ऊपर आएगा। तो बस हमें करना क्या है कि अब हम इसमें सीटी लगवाएंगे। अब ढक्कन को लगा दिया मैंने, तो बस इसमें 2 सीटी का इंतज़ार करेंगे। तब तक आइए तड़के की तैयारी कर लेते हैं। ये मैंने 2 प्याज काटी है, 3 लाल मिर्चें हैं खड़ी, और धनिया की कुछ पत्तियाँ हैं। ये बहुत ही यम्मी बनेगी और इसका जो तड़का इसमें जाएगा वो और स्वाद को दुगना कर देगा। ये देखिए दोस्तों ये मैंने तेल डाल दिया है, अब हम तेल को गर्म होने देंगे। इसमें मैंने 2 तेज पत्ते डाले हैं, ये मैंने 3 लाल मिर्चें डाली हैं इसमें, ये थोड़ी सी जीरा जाएगी 1 छोटी चम्मच, और अगर दोस्तों आपको हींग का टेस्ट पसंद हो तो आप जरूर डालिएगा, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है हींग डालने से। मैंने तो डाला है, अगर आपको पसंद हो तो डालिएगा वरना स्किप कर दीजिएगा। ये देखिए ये मैंने 2 प्याज डाली है, प्याज आप चाहे तो और भी डाल सकते हैं, प्याज से भी इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब हमें इसे भुनना है, बहुत ज़्यादा नहीं भुनेंगे, फिर भी थोड़ा बहुत तो भुनना ही पड़ेगा। तो देखिए हम इस तरीके से इसे भुन रहे हैं दोस्तों, बहुत ही यम्मी यम्मी टेस्टी टेस्टी सा है, तुरंत ही बनकर तैयार हो जाता है। तो एक बार इस रेसिपी को जरूर से ट्राई कीजिएगा। इसका सारा मजा तो इस तड़के में ही है। देखिए मैंने 2 छोटे चम्मच धनिया की पाउडर डाला है, 1 छोटी चम्मच मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाली है, ये मैंने कलर के लिए डाली है, ये थोड़ा सा गर्म मसाला मैंने डाला है। अब थोड़ा सा इन्हें भुनेंगे हम, और बस अब इसमें पानी डाल देंगे ताकि हमारे मसाले बिल्कुल भी ना जले, क्योंकि हमने सूखे मसाले का यूज़ किया है इसमें। तो बस हमने पानी डाल दिया, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना आपको। अब हम इसे अच्छी तरीके से मिलाएंगे और थोड़ा पानी सुखा देना है। तो दोस्तों इसका पानी सूख चुका है, तो हम क्या करेंगे अब बंद कर देंगे। और ये देखिए ये भी बनकर तैयार है हमारी डिनर रेसिपी। तो अब हम इसमें डाल देंगे तड़के को, और इसे डालने के बाद में बहुत अच्छी तरीके से इसे मिलाएंगे। और आप जब 1 चम्मच उठाकर पहला बाइट लीजिएगा, आपको इतना टेस्टी लगेगा कि आप बोलिएगा कि मैंने क्या रेसिपी बनाकर आपके साथ शेयर की है। आपने बहुत बार इस रेसिपी को बनाया भी होगा, तो प्लीज़ एक बार मेरी तरह से ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको कैसी लगी। और हाँ दोस्तों, इसके ऊपर से हरा धनिया की पत्ती ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत ही अच्छा देखने में भी लगता है और खाने में तो इसका स्वाद दुगना बढ़ जाता है। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पे नए आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक प्लेट में हम अभी इसे सर्व करेंगे। देखिए गर्मा गर्म मैं निकाल रही हूँ इसे। ये ऐसी रेसिपी है दोस्तों कि आपके घर में बूढ़े हो, बच्चे हो, आपके परिवार में जो भी सदस्य हो, सभी को बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो आप एक बार इस तरीके से बनाकर इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसे तहरी कह सकते हैं, खिचड़ी कह सकते हैं, जो भी कहना चाहे कह सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुई है, और तड़के के साथ में तो बहुत ज़बरदस्त लगेगी। तो देखिए दोस्तों किस तरीके से लग रही है,
अब मैं इसमें थोड़ा सा धनिया की पत्ती से और इसे गार्निश करूंगी। मुझे तो लग रहा है कि बस मैं खा जाऊं, पर आपको एक बार दिखा देती हूँ मैं सामने से किस तरीके से लग रहा है। देखिए देखिए, मैं आपको चम्मच से उठा के दिखा रही हूँ, ये कितना ना ज़्यादा थिक बना है ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा इसमें पानी है, बहुत ही एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हुआ है। और इसके साथ किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, बस चम्मच से इसी तरीके से उठा कर खाइए, बहुत ही टेस्टी लगती है। दोस्तों हमारे पूरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। दोस्तों हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियो एक बार जाकर देखिएगा। घर में रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय माता दी। दोस्तों आगे किसी और वीडियो के साथ